यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि बिट साइट का क्या क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, जैसे ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ ए विथ मॉड लैम्डा लेस देन 16 सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 5x प्लस लैम्डा y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको पता है कि अगर जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो उसका डेल्टा 0 होता है। डेल्टा क्या होता है? ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, दिस शुड बी 0। बस आपको इसको 0 से कवर करना है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। जैसे ए बी सी रखें तो 2 12 एंड माइनस ऑफ 3 राइट, फिर एच रखेंगे तो माइनस 5 माइनस 5, देन जी रखेंगे तो 5 बाय 2 एंड दिस इज लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा राइट। अब इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग सकता है क्योंकि इक्वेशंस बनानी होगी आपको, और यहां पर ऑप्शंस में आप उलझ सकते हैं क्योंकि बाय 2 है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये थ्री लाइन्स दिए हैं, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिए एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, एक लाइन दिए एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे दो लाइनें मिल जाएंगी, इस तरह की ये दो लाइनें होंगी और ये कट कर रहा होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया बताना। आपको पता है इसमें एक वर्टेक्स तो इमीडिएटली आप लिख देते हैं 0 0। अब ये जो दो लाइनें हैं इनके भी हम फैक्टर बहुत इजीली बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। इसका मतलब एक लाइन है y इक्वल टू x की, एक लाइन है y इक्वल टू या x इक्वल टू 2y की, और एक लाइन ये दी हुई है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y के प्लेस पे जैसे ही आपने x रखा या x के प्लेस पे y रखा तो आपको मिल जाएगा माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1/2 इस एंड के कोऑर्डिनेट। यहां पर x की जगह 2y रखा तो ये 3y हो जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस 1/3 y का वैल्यू और x का माइनस ऑफ 2/3। अब अगर दो वर्टेक्स में से तीन वर्टेक्स में से एक 0 तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है एक्स 1 वाई 2 तो 1/6 राइट, दिस इंटू दिस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस ऑफ कितना बोलिए 2/6 राइट, तो ये मिलेगा माइनस ऑफ 1/6, एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो 1/12 इज आर राइट आंसर। क्या किया आपने? सबसे पहले आपने सेपरेट लाइन निकाली, सेपरेट लाइन निकाल के इस लाइन में पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर वो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें उससे ज्यादा जल्दी आप इस तरह से कर सकते हैं राइट। नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है इस पेपर में अगर देखें तो। द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड अगर ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर देखें ध्यान से तो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है कि इन दोनों का ये पोर्शन कॉमन है। इसके फैक्टर अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2y एक्स माइनस वाई और इसके भी देखेंगे तो यही बनेंगे। इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि 2-2 लाइंस पैरेलल हैं राइट, 2-2 लाइंस पैरेलल हैं। इसमें प्लस भी जुड़ेगा कुछ पर इतना तो आएगा ही आएगा, ये बात इतने से समझ में आती है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके बीच का एंगल बताओ तो टेन थीटा होता है 2√h²-ab, बस ये 90 होगा तो रेक्टेंगल स्क्वायर पे जाएंगे ए प्लस बी, तो अगर मैं 2√h² करूं तो h² होगा कितना 9/4 माइनस ए बी मीन्स माइनस ऑफ 2। इसका मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं है, वैसे भी ए प्लस बी 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा पैरेलोग्राम, क्योंकि कुछ ऐसा डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए इस तरह की दो लाइनें यहां होंगी और ऐसी ही दो लाइनें पैरेलल जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी बिल्कुल इसी तरह की, जैसे ये लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन होगी लाइक दिस और एक इसके पैरेलल लाइन होगी जो कि इसको कट करते हुए जा रही होगी, तो ये एक पैरेलोग्राम जनरेट होगा। नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 and 8 द एक्स एंड वाई एक्सेस। अब इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको पता है अगर सर्कल ओरिजिन से जा रहा है और इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस की लेंथ दिए एक का 4 और एक का 8। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस होता है 2g²-c 2f²-c, बट पासिंग थ्रू ओरिजन है तो c 0 है यानी 2g
इक्वल टू आपको दिया है 4 2g की जगह प्लस माइनस लिखना था, ऐसे ही 2f इक्वल टू दिया हुआ है 8 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस दिया हुआ है, लेंथ है आपको पता नहीं डायरेक्शन, तो g का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया, f का वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया, देन दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? देखिए g की g का वैल्यू आया आपका g आ गया प्लस माइनस 2 और f आ गया प्लस माइनस 4। अब क्या गड़बड़ हो सकती थी जो मैंने एकदम ध्यान दिया, ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस माइनस 8y प्लस माइनस 8y प्लस c की वैल्यू 0 हो गई। दिस इज द राइट आंसर, राइट? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट ऑफ लेंथ 4 यूनिट फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू 3। अब देखिए एक सर्कल है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है, सपोज ऐसा कोई सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब क्या क्या बोला है, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, मतलब आप सेंटर को चाहो तो एच के भी ले सकते हो। द लोकस ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजन एंड कट ऑफ लेंथ 4 यूनिट फ्रॉम द लाइन x इक्वल टू 3। ये लाइन कोई x इक्वल टू 3 की हो गई, x से 3 यूनिट डिस्टेंस पर, इस पर ये 4 यूनिट की लेंथ का, 4 यूनिट की लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अगर मैं इसके पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये लेंथ आपको पता है 2 यूनिट होगी क्योंकि ओवरऑल लेंथ 4 यूनिट है। ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी लेंथ रेडियस के इक्वल, बिकॉज अच्छा एक और बात है, आप चाहो तो इसको सेंटर को अभी माइनस जी माइनस एफ ले लें, पासिंग थ्रू ओरिजन है तो सी की वैल्यू 0 होगी, तो इस केस में रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, राइट? अब एक चीज बताइए, अगर मैं इस पॉइंट से इसका सेंटर, अगर यहां पे हम चाहें तो पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, इस पर अगर लाइन पर एक्स इक्वल टू 3 पर, मतलब एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 पर माइनस जी माइनस एफ से परपेंडिकुलर डालूं तो ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा, कितना आएगा माइनस जी माइनस 3 यानी जी प्लस 3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे? आपके पास ये लेंथ है, आपके पास ये लेंथ है, आपके पास ये लेंथ है, तो आप ऐसा लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, जी प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओपन कर दीजिए तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 प्लस 4, राइट? जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर इक्वल टू 6g प्लस 13। एफ मतलब क्या हो जाएगा, अब लोकस ऑफ एक्स वाई रखना है, यानी इसकी जगह आप जी की जगह एक्स और वाई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस 13, या ऐसा भी बोल सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 13। दिस इज द राइट आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। आपने एक तो सर्कल की पहले जनरल इक्वेशन कंसीडर करी, राइट? ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। अब इसका सेंटर जो है वो माइनस जी माइनस एफ है, जिसका लोकस निकालना है। एक लाइन दी x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो लेंथ मिल गई, ये रेडियस मिल गया, ये हाफ हो गया 2। आपने सॉल्व किया तो आपको इक्वेशन ऑफ लोकस मिला। नोट कर लीजिए,